आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, मैं जा रही हूँ बाहर, और बाहर किस लिए जा रही हूँ वो भी आपको बता देती हूँ। मैं जा रही हूँ इनका केक ऑर्डर देने, मतलब इनके लिए केक ऑर्डर देने। आज रात को केक कट करना है, तो इसी वजह से अभी तक टाइम ही नहीं मिला। अभी तक एडिट और ये सब कुछ चल रहा था मेरा, तो अभी 4:30 बजे है और निकिता भी आई है। ऐसे ही आई थी वो, तो मैंने सोचा चलो उसको भी लेके चलती हूँ केक का ऑर्डर देने। और अभी रेडी हो चुकी हूँ, अभी मैंने नहाया, देखो अभी इतना लेट, आज पता नहीं क्यों। और हाँ, पीरियड था तो इस वजह से कुछ भी नहीं हो पाया। इतने दिन आप लोगों से बात नहीं करना हुआ, और इतने दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया ऐसे, मतलब प्रॉपर ब्लॉग टाइप का वीडियो, तो इसीलिए निकिता हंस रही है वहाँ पर देखो तो अभी निकिता को लेके जा रहे हैं हम लोग वहाँ पे, और उसके बाद मिलते हैं वहाँ पे जाके। आपको दिखाती हूँ क्या क्या होने वाला है, मतलब क्या क्या लेने वाले हैं हम लोग, जो भी होगा वो आगे आप देख लीजिए। तो चलिए पहले चलती हूँ। यहाँ पर माही का देखो क्या चल रहा है। आप लेके जाने वाली क्या मुझे? वहाँ पर निकिता है। आओ चलो की? हाँ। चलो हाँ चलो चलो, चलो। तो गाइज, यहाँ पर आई हूँ मैं रघुवीर में, और रघुवीर में जो मुझे केक चाहिए था, मतलब थोड़ा सा थीम थी मेरी जो पुलिस वालों की होता है, थोड़ा सा मैंने सर्च करके रखा था, वही केक चाहिए था मुझे। और वो केक मैंने जैसे ही उनको दिखाया था, वो बोले कि लेट हो गया है, अभी तो नहीं बन सकता है, जो कारागिर रहते हैं हमारे वो चले गए हैं। तो इसी वजह से मैं 5 बजे शायद वहाँ पर पहुँची थी। और घर का काम ही तो ख़त्म नहीं होता है यार, घर के काम रहते हैं, उसके बाद मेरी एडिटिंग और ये सारी चीज़ें, वीडियो बनाना, एडिट करना, वो करना, ये सारी चीज़ों में ना घर से बाहर निकलना ही नहीं होता है। थोड़ा सा लेट हो गया और फ़ोन पे वो लेते नहीं हैं, तो इसी वजह से वहाँ पर जाना पड़ा। तो फिर देख रही थी यहाँ पर कौन सा केक लेना है, बट यहाँ के ना मुझे डिज़ाइन ही पसंद नहीं आए। और क्वालिटी रघुवीर की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है केक की, और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बट ये है कि यहाँ के मुझे डिज़ाइन ही पसंद नहीं आया, तो मैं ही क्या करूँ। तो उन्होंने फिर मुझे सजेस्ट किया कि जो बड़ा वाला रघुवीर है, जो क्या बोलते हैं शाम चौक वाला, वहाँ पर जाओ और वहाँ पर फिर उनको डिज़ाइन दिखाओ, आपको जैसे चाहिए वो बना के दे देंगे। वहाँ पर कारागिर जो है वो वहाँ पर ही होता है, तो इसी वजह से फिर मैं वहाँ पर गई और मैंने अपना जो डिज़ाइन है उनको दिखाया, फिर उनको बोला बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो बड़ा वाला रघुवीर है ना, यहाँ पे ये ग्लास लगाया हुआ है, और अंदर जो भी केक बनाते हैं वो हमारे सामने ही बनाते हैं, तो हमें हाइजीन का पता चल जाता है कि कैसे वो बना रहा है, क्या है। और फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पर डेकोरेशन का सामान लेने, तो वही देख रही हूँ मैं जो भी मुझे चाहिए, जैसे कि बलून्स चाहिए थे, थोड़ा सा वो बॉल्स वॉल्स होते हैं वो चाहिए थे, तो ये सारी चीज़ें मैं देख रही थी यहाँ पे। और जो भी मुझे चाहिए था वो बर्थडे का थोड़ा सा लगाने के लिए, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ नेम, और वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ से ली। फिर
और ये पूरा बर्थडे वाला ही है शॉप, मतलब ज़्यादातर बर्थडे की चीज़ें ही यहाँ पर मिलती है। अगर छोटे बच्चों का बर्थडे है ना तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ पर छोटे बच्चों के बर्थडे की तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये जवार गेट के आगे एक शॉप है, मतलब गेट के आगे ही। इस शॉप का नाम याद नहीं है मुझे, नाम नहीं देखा मैंने, बट आप देख लेना, वहाँ पर आपको दिख ही जाएगी आगे। तो इस वाली शॉप से मैंने ये सारी चीज़ें ली और फिर हम लोग घर पे गए। घर पे जाने से पहले हम लोगों ने कुछ खाया। एक्चुअली माही को और अद्वी को थोड़ी सी भूख लगी थी, तो वो बोल रहे थे कि कुछ खा ले, तो मैंने बोला कि चलो हम आइसक्रीम लस्सी पीते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग पीने गए आइसक्रीम लस्सी। यहाँ पर अद्विक ने फिर शेक लिया, जिसको जिसको जो जो लेना था वो उन्होंने लिया, और हम लोगों ने आइसक्रीम लस्सी ली और फिर चले गए घर पे। यहाँ पर और एक किस्सा हुआ, वो मैं आपको घर पे बताती हूँ। चलो फाइनली आ गया घर पे और सब कुछ हो गया है। केक के ऑर्डर दे दी है, उसके बाद बलून्स वगैरह डेकोरेशन के लिए लाए हैं, जो भी डेकोरेशन का सामान है वो लेके आए हैं। और यहाँ पर अद्विक का, इसके लिए भीख मांगनी पड़ी मुझे अद्विक के ये स्पाइडर मैन के लिए, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे, मैं पैसे लेके ही नहीं गई थी और मेरा काम चलता है फोन पे से सब। तो मतलब एक शॉप में जाना पड़ा, उनको फोन पे करना पड़ा और उनसे पैसे लेने पड़े, उसके बाद ये इसको दिलाया मैंने। इतना इसमें से क्या निकल रहा देखो आवाज निकलती है। और ये अद्विक का किंडर जॉय। अरे क्या, हैंड वॉश करो जाओ पहले। ये पता नहीं किंडर जॉय में निकला ना वो। जाओ हैंड वॉश करो ये सारा सामान डेकोरेशन का। तो चलो अभी कहाँ पर डेकोरेशन होने वाला है, क्या करने वाले हैं हम लोग, वो आपको बाद में पता चलेगा। तो सबसे पहले सीक्रेट नहीं रहेगा, वो इसी व्लॉग में खुल जाएगा सीक्रेट, बट थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं आपको। सबसे पहले बलून वगैरह फुला लेंगे, और ये ड्यूटी से अभी तक आया नहीं है, अच्छा हो गया नहीं आए हैं, तो तब तक हम लोग रेडी कर देंगे। हाँ मुझे लगा था कि आप भी गए होंगे और दरवाजा खोल के बैठ भी गए होंगे अंदर, बट जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा दिखा वैसे पता चला कि नहीं आए हैं ये अभी तक, नहीं तो लाइट ऑन कर देते। चलो फिर सब डेकोरेशन करते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। लॉन्ग ड्राइव के लिए आज पापा का बर्थडे सरप्राइज। हाँ पे चल लॉन्ग ड्राइव पे चल, हम निकल रहे हैं लॉन्ग ड्राइव के लिए। वाओ यार मम्मा कैसा लगा भाई, बहुत मस्त, आई लव इट, एकदम जबरदस्त। अभी क्या यार फिर भी ये थोड़ा सा यहाँ से पापा ने वो कर ही दिया देखो ये तो होना ही था। ये देखो कैसा लग रहा है, जबरदस्त। ये छोटा सा पिनाटा भी है, हार्ट हार्ट वाला पिनाटा, उसका डायरेक्ट तोड़ना नहीं है। चलो कट करो, Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear, आपके पापा। Happy birthday, पापा।
कैसा लगा माही केक? आद्विक, आद्विक केक है? अरे वाह वाह वाह, ये देखो कैसा लग रहा है डेकोरेशन बताना, क्योंकि अरे यार यहाँ पर दिख नहीं रहा ये। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, उड़ने दो उड़ने दो, पता तो चले बर्थडे था, बर्थडे था, पता तो चले, कोई बात नहीं। आगे तो कैसा लगा सरप्राइज? अच्छा। ये देखो अधिक पूरा केक लगा हुआ है। माही कैसा लगा? भाई ने तो हेल्प भी हुआ मेरे मम्मा ने। तो अच्छा लगा ना? एकदम सुपर। अरे देखो मुझे तो यकीन भी नहीं था कि मैं इतने देर और से लेट आया और आपने इतनी अरेंजमेंट करके रख भी दी दोनों। अरे इनको लगा कि घर पे कुछ बलून वलून लगाए होंगे हमने। हाँ, और कुछ किया होगा, ऊपर वाले रूम में किया होगा, है ना? हाँ। ऐसे लगा इनको कि क्योंकि नीचे तो कुछ दिख नहीं रहा था इन्हें, और ऊपर का तो ऊपर का। और हाँ, यहाँ से उजाला आ रहा है, ये देखो पूरा केक लग गया। और केक मैंने ऑर्डर मतलब पहले ही कर दिया था, आपको तो पता ही है। और केक लेने गए, फिर हम मतलब मैं और मेरी फ्रेंड केक लेने गए, उसके बाद केक लेके आए, छुपा के रख दिया, उसके बाद ये आए तो इनको लगा कि छोटा सा केक लाया होगा और बस रात को कट करेंगे, नहीं तो फिर डेकोरेशन बलून का हो गया होगा ऊपर, है ना? मुझे ऐसे लगा। इनको बोला कि चलो लॉन्ग ड्राइव चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव चलते हैं। बट बारिश में क्या चलना, बारिश में क्या लॉन्ग ड्राइव चलेंगे, और घर पे ही रहो ना, घर पे अगर केक भी कट करना है तो घर पे ही कट करो ना। मैंने बोला नहीं ना, हमें लॉन्ग ड्राइव ही जाना है, लॉन्ग ड्राइव जाना है, फिर जाके हम लोग लॉन्ग ड्राइव आए। सारा सरप्राइज तो लॉन्ग ड्राइव के अंदर था, है ना भाई? लेकिन अच्छा किया था, जैसे वो डिक्की खोला ना आपने। अरे लेकिन वो है ना, मतलब जो लाइटिंग थी ना, हाँ लाइटिंग थी ना, वो नीचे दब गई, वो बलून के नीचे, वो गाड़ी के झटके की वजह से, तो इसी वजह से ऐसा लग रहा था, नहीं तो इतना सुंदर लग रहा था घर के अंदर वो, जब हम लोगों ने किया ना डेकोरेशन उस टाइम बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। और ये देखो, और जैसे ही गाड़ी खुली ना, सारे बलून छूटने लगे। सारे बलून छूटने लगे, हमने जैसे ही डिक्की ओपन की वैसे सारे बलून छूटने लगे, और लोग अपने अपने गाड़ी से जोर जोर से चिल्ला रहे थे, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे अपने अपनी गाड़ी से। अच्छा रहा, लेकिन अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। बारिश में भी बहुत मजा आया, बारिश में मजा आया, लॉन्ग ड्राइव करके आए, उसके बाद केक काटे हमने, केक काटा, अच्छा लगा। चलो अभी घर पे जाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। कैसा लगा भाई? बहुत मस्त टेस्टी। ये देखो केक की डिजाइन देखो कैसी है, पिनाटा केक। ये हाँ छोटा सा, ये पिनाटा केक का हार्ट, गोल्डन गोल्डन, पूरा गोल्डन थीम थी आज की ये। और यहाँ पे एस भी था, एस कट गया, एस कट गया थोड़ा सा। पूरा नाम डालने के लिए जगह नहीं थी ना, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि ये एस ही डाल देते, क्योंकि यहाँ पर पूरा शो चला जाता है यहाँ का अगर नाम डाल दे तो पूरा। अरे अरे अद्विक, अद्विक कैसा लगा आपको? क्या गोल्डन कलर का दिल बनाओ, ये देखो। हाँ दिखा दिखा, एक साइड से चॉकलेटी और एक साइड से गोल्डनी। हाँ गोल्डनी, अरे फूल देखो गोल्डनी है, फूल भी गोल्डन है, हाइलाइटर है गोल्डन वाला है। हाँ पूरा हाथ को लग रहा है वो, ये ऐसे चमकीले तो वो हाथ पे है, वो स्प्रे होता है ना ऐसे गालों पे लगा है जरा से। हाइलाइटर जैसा लग, अच्छा केक अच्छा लगा ना? चलो फिर खाओ, खाओ अभी फिर। हैप्पी बर्थडे पापा, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे, चलो खाओ खाओ, आप खाओ पहले, मेरे जिगर के टुकड़े को लाओ, आपको खिलाती हूँ ना, आपको खिलाती हूँ ना, पहले आपका, पहले अद्विक को खिलाओ, अद्विक अद्विक आओ बेटा, अरे ये तो लो, ये 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 इतना खा लो बेटा। टेस्टी है यार केक, निकाल दो, मेरा दिल दिल पे गया। हाँ मैं एक प्लेट लाओ बेटा, पापा को पहले खिला देती हूँ। ये पता है क्या, मैंने रसमलाई, रसमलाई नहीं सॉरी बटर स्कॉच वाला बोला था उन्हें। थैंक यू, वेलकम। मैं दिल खा रही।
पिनाटा दी। टेस्ट बहुत अच्छी है ना। वो मन भरी से अगर, को नहीं मन भरी में इतना अच्छा नहीं है। अगर आपको लेना है ना केक, सच में रघुवर की टेस्ट अच्छी है। हम लोग हमेशा मन भरी से लाते थे, बट रघुवर की टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छी है। हमेशा अभी रघुवर से ही लाएंगे। मन करो अभी आंखें फिर बंद करो। आज आंखें ही बंद करनी है आपको। चीटिंग नहीं, आंखें बंद करो। ये लो आपका गिफ्ट। अभी खोल सकती है। आपने देखा हुआ है वीडियो में, फिर भी देखा और कुछ जैसे उधर आपने किया ना। नहीं, लेकिन फिर भी वीडियो में देखा आपने, बट वीडियो में देखा। अभी रियल में देख लो। मैंने इतने दिनों से दिखाया नहीं इन्हें रियल। क्या उसके ऊपर का कवर? वो पॉलिथीन था ना। हाँ थैंक यू सो मच। थैंक यू किस लिए यार, दिखाओ एक मिनट। टाइम एकदम सही दिखा रही मैं देखो। एक मिनट ब्लर क्यों आ रहा है ये देखो। कितनी सुंदर लग रही है। जब से मैंने ना शोरूम में देखी थी वो वाले टाइटन के, तब से मेरा दिल आ गया था इसमें। मैं इसे मना कर रहा था कि मेरे पास देखो घड़ी। हाँ घड़िया है, बढ़िया, मुझे बहुत पसंद आई बहुत। और आपके हाथों पे भी बहुत अच्छी लग रही है। तो ना हाँ क्या बोलो। चलिए गाइस इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। देखो बाल कैसे हो गए मेरे, अजीब से ही हो गया है। और मिलती हूँ गाइस अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो ना थोड़ा सा भी, तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसके अलावा मेरे दो और चैनल है, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। तो चलिए फिर, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। बाय गाइस, ध्यान रखना अपना।